तो गाइस ये है ट्रांसपेरेंट एयर बलून और आज मैं 24 ओवर सीसी के अंदर रुकने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो इसकी जो लंबाई है ना वो है 15 फीट और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फुलाने वाले हैं और फिर होगा मेरा चैलेंज स्टार्ट। यानी कि फुलाने के बाद में मैं इसके अंदर घुस जाऊंगा और फिर मुझे इसी में बंद कर दिया जाएगा 24 घंटे के लिए। तैयार हो? यस। फटाफट से फुलाओ अब इसको। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो ये कितना बड़ा एयर कैप्सूल है और इसी कैप्सूल के अंदर मैं रुकने वाला हूँ भाई। पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट बलून देखो। ओए जल्दी कंप्रेसर लेके आओ, हवा भरते हैं इसमें। अब तेरा भाई इसके अंदर इतनी हवा भरेगा, इतनी हवा भरेगा इसको सारे को उड़ा दूंगा। हाँ तो जल्दी भरना। ये ले। तो यार मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ गाइस, मुझे इसके अंदर जाना है वो भी 24 घंटे के लिए। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है और मैं किस तरीके से इसके अंदर 24 घंटे बिताता हूँ। फटाफट से हवा भरते हैं पहले इसमें। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है कंप्रेसर, तो चलिए अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, तभी इसके अंदर ये हवा भर पाएंगे। भाई पूरा पैक हो जाऊंगा मैं अंदर जाके। तो यार हवा चालू कर दे। यार तेज गर्मी हो रही है अंदर तो, और अभी तक तो ये पूरा भी नहीं फूला है, तो मुझे फटाफट से जो मेरा है ना स्वेटर वो उतारना पड़ेगा भाई। बहुत तोड़ी गर्मी हो रही है अंदर। हवा चलाओ जल्दी भाई, इसको तगड़ी गर्मी हो रही है यार। देखो पन्नी के ऊपर देखो, भाप जमने स्टार्ट हो चुकी है। हवा अभी भी चालू है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पाइप के थ्रू है ना अंदर हवा आ रही है पूरी। भाई ये वाली हवा तो ठंडी है, बाकी है ना अंदर इतनी ज्यादा तेज गर्मी हो रही है भाई, बहुत तगड़ी वाली गर्मी। और अभी तक तो ये केवल इतना सा फूला है, काफी ज्यादा और हवा आना इसमें बाकी है। भाई कितना टाइम लगेगा? और भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है यार, और मेरी हालत तो कितनी तगड़ी खराब हो रही है। देखो अभी तक तो है ना ये पूरा भी नहीं भरा है, वो इतनी हालत खराब होने लग गई भाई। बाल वगैरह सारी चीजें बिगड़ चुकी है और गर्मी हो रही है तेज अंदर, तो सर्दी का मौसम है, सर्दी में इतनी ज़्यादा तेज गर्मी भाई, पूरी हालत डाउन हो रही है मेरे तो। यहाँ पर देखते हैं कि ये कितनी देर में पूरा फूलता है और फूलने के बाद में गर्मी होती है या नहीं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अब है ना ये पूरा का पूरा टाइट होने लगा है और मैं आराम से खड़ा हो पा रहा हूँ। देखो कितना ज्यादा बड़ा ही है भाई, मैं आराम से खड़ा हो चुका हूँ और देखो पानी है अंदर। पता नहीं ये पानी कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, लेकिन पानी देखो कितना सारा पानी है ऊपर भाई। ओए भाई हालत खराब हो रही है अंदर, पता है तुझे? तो हवा तो अब हमने इसको भर दी है, पूरा बलून जो है ना वो टाइट हो चुका है और अब हमने हवा भी बंद कर दिया है। अब कैसा लग रहा है? अरे अंदर तो तेज गर्मी हो रही है भाई, आवाज तो आ रही है बात भाई, हालत पूरी तेज खराब हो रही है। और ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है? पता नहीं क्या हो रहा है। देखो ये है ना हमको लिख के समझाने के लिए। या उमेश सिंह गोटी लग रही है। गोटी लग रही है आपको? गजब बेइज्जती है। पानी बन रहा है अंदर पूरा पानी। अब यार ऐसे तो अपन पानी बना सकते हैं यार, ऐसे आपका वो दिख रहा है, ऐसे अपन पानी बना सकते हैं। अरे मेरा पानी बन रहा है अंदर पूरा का पूरा। गैस मत निकाल, इतनी ज़्यादा तेज गर्मी हो रही है यार। गैस मत निकालना अंदर। क्यों? ये फट जाएगा, बदबू बाहर नहीं आएगी, ये फट जाएगा। एक्स्ट्रा हवा नहीं डालनी इसके अंदर, हमने नाप के डाली है भाई साहब। हालत है ना इतनी ज्यादा खराब हो रही है, सर्दी के अंदर पसीना आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आपको डबल आवाज भी सुनाई दे रही होगी इसके अंदर। देखो हेलो, वहां पर डबल आवाज आ रही है और पूरा का पूरा ये पैक है। कितना बड़ा कैप्सूल है देखो मेरे पास में, केवल यहाँ पे ये रजाई है और ये है दोस्तों मेरा स्वेटर, जिसको तो मैंने खोल के फेंक दिया क्योंकि इतनी तेज वाली गर्मी हो रही थी भाई, तगड़ी वाली गर्मी हो रही थी अंदर तो। 24 आवर्स ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे हालत पूरी खराब हो रही है गाइस, अभी तो है ना ये है ना धूप है इसलिए इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। रात में पता नहीं यार क्या हालत हो यहाँ पर, कुछ नहीं पता क्या। अरे ठंड की तो टेंशन नहीं है, मेरे पास में रजाई है भाई, गर्मी की दिक्कत हो रही है गाइस। अभी तो है ना गर्मी लग रही है, उसकी मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बाकी है ना रात में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो मेरे पास में रजाई है यहाँ पर। ये सही है यार भाई, यहाँ पर गाइस आप देख रहे हो। ओए सूरज डूबने वाला है ना गाइस, जल्दी सूरज डूब जाए ना तो यार मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अंदर इतनी तेज गर्मी हो रही है भाई, घुटन सी हो रही है मुझे।
बस एक बार ये सूरज डूब जाए, देखो आप अभी तक सूरज है वहाँ पर। अरे कोई टेंशन नहीं है मेरे पास में ना ओढ़ने के लिए है, लेकिन है ना सूरज की दिक्कत है भाई, अभी गर्मी हो रही है भयंकर वाली। भाई साहब जल्दी डूब जाए, ये इतनी ज्यादा घुटन हो रही है भाई, तगड़ी वाली घुटन हो रही है अंदर, तो देख लो आप क्या हालत है मेरी अंदर पूरी की पूरी। गाइस जल्दी से जल्दी ये सूरज डूब जाए तभी ये चैलेंज मेरे लिए आसान होगा, तो आराम से रात में तो रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कल वापस यही प्रॉब्लम होने वाली है। आज तो मैं दिन के और कुछ कम घंटे रुका, लेकिन कल तो आप सोचो कितना टाइम मैं दिन में रुकने वाला हूँ, और वो ही गर्मी। आज भाई मैंने एक जलवा देख लिया मैंने कि किस तरीके से गर्मी होती है अंदर, भयंकर वाली। और यहाँ पे आप देख रहे हो यार इतनी गर्मी के अंदर भी देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो या तो ये मेरे मुंह की बाफ है या क्या चीज है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा वाइट वाइट हो चुका है यहाँ पर। हेलो को हम आ चुके हैं हमारे बगीचे के अंदर, भैया अभी तक वहाँ पे शूट चल रहा है उनका, तो हम यहाँ पर है और हम खाने आए हैं अमरूद। यहाँ पे काफी सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए। ओ बे तेरी ये खा लिए अमरूद, खा लिए। किशोर बता अमरूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुझे इतना भी नहीं पता? नहीं, अमरूद को इंग्लिश में बोलते अमरूद। अमरूद को इंग्लिश में ये बोलते हैं गाइस, आप कमेंट करके बताना। यही बोलते हैं। चल भैया के लिए जापल तोड़ के ले चलते। अरे वो खाएगा कैसे, अंदर देगा कैसे बेवकूफ औरत। तो चलो हम ही खा लेते हैं यार। गाइस हमारे बगीचे के ये जो अमरूद है ना वो काफी ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। भाई साहब बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड हो गई है, तो किशोर यहाँ पे जुगाड़ कर रहे थे। हमने तो आग जला ली है क्योंकि सूरज अंदर चला गया और अब जो है ठंड ज्यादा। सूरज भी अंदर चला गया, उसको ठंड लग रही है। सूरज भी अंदर चला गया और अब ठंड लगने वाली, भैया को भी ठंड लगती होगी अब तो। देखो देखो हालत देखो भैया की। भाई सब कुछ ही उल्टा हो रहा है अब, है ना सर्दी बढ़ने लग गई। देखो आप अभी इतनी तेज सर्दी लग रही है, तो आप सोचो जो ये सूरज है ना वो थोड़ी देर में पूरा ही डूब जाएगा तब मेरी क्या हालत होगी। और वैसे मुझे भूख वगैरह अभी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से है ना मैं खाना अंदर लूँ। देखो चारों तरफ से है ना ये पैक है, अभी बिल्कुल ये कैप्सूल बन चुका है एक, तो कुछ खाने वगैरह का भी जुगाड़ मुझे करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखो हमने ये कट लगा दिया है और इसी से है ना मैं अंदर सामान लेने वाला हूँ। ले टेप लगा दे अंदर से, जल्दी ले टेप, पूरी हवा निकल जाएगी। यहाँ पे जो होल था ना उसको मैंने पूरा बंद कर दिया, और यहाँ पे आप देखो गाइस सक्सेसफुली जो कोल्ड ड्रिंक है वो अंदर आ गई। भाई साहब अब सही लग रहा है भाई। किशोर आजा। अरे जल्दी घुस यार। टेप लगा दे गाइस, है ना जो ये होल है इसको बड़ा कर दिया है इन लोगों ने, और किशोर को भी अंदर भेज दिया। किशोर कैसा लग रहा है तुझे? पूरा पानी है, दिख रहा है तेरे को? देखो को भी मशीन चालू कर देते हैं, जल्दी लगा दे। कैसा लग रहा है तुझे अंदर आके? भाई मैंने सोचा अंदर तू मजे कर रहा होगा, मैं भी चलूं मजे करने के लिए, यहाँ पर तो पोपड़ी बन गई मेरी। आ गए मजा, सब पानी के बूंदे निकल रही है ऊपर की, देख रहा होगा इसे। देखो देखो ये कुछ ऐसी हालत है अंदर की तरफ, और अभी सर्दी का मौसम और पानी इस तरीके से नीचे आ रहा है भयंकर। भाई देखो ऑटोमेटिकली है ना यहाँ पे पानी बन रहा है पूरा का पूरा। भाई मेरे को तो बाहर जाना है, यहाँ पर तो सर्दी लग रही है मेरी, तो रूल्स ही नहीं है बाहर आने का। अंदर आ गए ना तू, चैलेंज में तू अकेला नहीं, नहीं अब तुझे मेरे साथ में रहना पड़ेगा और कल तक रहना पड़ेगा। गाइस है ना ये फंस चुका है और अब है ना ये मेरे साथ में रुकने वाला है। पानी देख रहे हो चारों तरफ, कुछ खाने के लिए तो दे दो, भूख तो लग रही है यार है ना, कुरकुरे वुरकुरे दे दे यार को, जल्दी लाओ खाने के लिए। ऊपर पानी टपकता है, नीचे बेबी सोता है गाइस, यहाँ पे सब उल्टा सीधा है भाई। कुछ खाने के लिए दे दो भाई, भूख लग रही है अंदर। तो फाइनली इतने सारे हम खाने के लिए लेके आ चुके हैं, तो यहाँ पे इसको खोलते हैं। वापस खोल भाई इसको, फाड़ दे यहाँ पे आप देखो, पूरा नहीं खोलना, हवा निकल जाएगी, पूरा खोल लेते। ये जल्दी हवा निकल जाएगी, और टेप लेके वापस ले, जल्दी लगा और वापस चला दे इसको। ओए मिल गया खाने को भाई, सच में है ना सिटी बोल दी है हमारी। और यहाँ पर देखो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास में आ चुकी है, और खाने के बाद में यहीं पे सोने वाले हैं। एक चीज तो भूल ही गए,
पानी कौन देगा हमारे को? वापस ओपन करो और पानी दो। भाई प्यास भी तो लग रही है, ये तो अभी आया, मुझे तो अब की प्यास लग रही है, पानी लेकर आओ यार। भाई खाना पीना तो हो गया और अब फटाफट से पानी पीते हैं। बाकी एक प्रॉब्लम आज मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, तुझे तो नहीं लग रही होगी? मैं तो करता है बाहर से। ये गाइस अभी बाहर से आया है तो इसको तो सुसू नहीं लग रही है, मुझे काफी ज्यादा तेज सुसू लग रही है और कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या करूं, बस कंट्रोल ही करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो बाकी कुछ आइडिया नहीं है। देखो पारदर्शी है पूरा का पूरा, अगर मैं कुछ कांड वगैरह भी करूंगा ना, अगर सुसू बोतल वगैरह में भी करूंगा, ये भाई हरामी है, वीडियो वगैरह बना लेंगे। ऐसा कोई सुसु होती है क्या? मैं तो कर लेता हूँ, तो कुछ भी कर सकता है गाइस। अब है ना मुझे कंट्रोल करनी पड़ेगी, बता। देखो पाइप आ रहा ना, इसके अंदर पिचकारी लगा, वो हवा का पाइप है। अरे क्या होगा उधर के, वो खाली रह जाएगा। बोतल आ रही है अपने पास में, पानी पियेंगे उसी बोतल को यूज करेंगे, और कोई आइडिया भी नहीं अपने पास। ओए बोतल लाना जल्दी गाइस, अभी ना सर्दी लग रही है, मुझे प्यास तो इतनी ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन मैं पानी इसलिए मंगा रहा हूँ, पहले पानी पीऊंगा और जो सूसू लग रही है ना उसका भी कोई जुगाड़ देख लूंगा। बोतल लेके आए, बोतल आ चुकी है। ओ यार एक बार ले लो यार, बार बार नहीं होता हमसे, तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी। तो क्या बार बार इसको खोलते बंद करते रहेगा? नहीं बार बार ही सेवा करनी होगी। अब नहीं खुलेगा ये, बोतल खाली करना यार, मुझे चाहिए खाली बोतल। मेरे को भी दे, कर देगा पूरी खाली? पूरी तो नहीं होगी, जितनी होगी उतनी दे। नहीं पूरी खाली कर यार, पूरी करूँ? हाँ गाइस मुझे चाहिए खाली बोतल, क्योंकि मुझे लग रही है तेज सूसू और बाहर तो मैं नहीं निकल सकता, बस ये एक ही ऑप्शन है मेरे पास में। ओ भाई पूरी खाली, ओ भाई साहब ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बोतल है वो खाली हो चुकी है, आधा मैंने पिया था और आधा इसने पी लिया, और अब ये बोतल मेरे यूज में आने वाली है। अभी तो सो जाते हैं, नींद आने के बाद में फिर मैं कांड करूंगा। भयंकर वाली सुसु लग रही है यार मुझे तो, सर्दी भी लग रही है भयंकर। पन्नी फाड़ के कर लूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे आप देख लो सुबह हो चुकी है और सुबह की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। भाई अभी यह सर्दी का मौसम, लेकिन हमारे को स्वेटर निकालना पड़ रहा है, देख लो आप, मतलब कि अभी तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ी है, लेकिन है ना जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। चलो इसको आराम से पूरा कर लेंगे, बस ये ना हो कि गर्मी आज तेज हो, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज गर्मी होगी उतना ही अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। कितनी सारी ओस थी जी हाँ दोस्तों, आपने कल देखा होगा चारों तरफ आपको पानी पानी दिख रहा होगा, लेकिन अभी आप देखो जो सारा पानी है ना वो दोस्तों बिल्कुल ही गायब हो चुका है, और अभी लगातार अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बाकी एक काम अच्छा हुआ रात के अंदर, देखो भाई मैंने सूसू वगैरह तो कर ली, तो मैंने सूसू वगैरह तो नहीं लग रही है, आराम से कंट्रोल कर लूंगा मैं। तेरी क्या हालत है? खतरनाक गर्मी हो रही है यार, इतनी सर्दी में इतनी गर्मी, तभी तो गाइस पूरा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। अभी सर्दी का मौसम है तो भी इतनी ज्यादा तेज गर्मी हो रही है भाई, और अभी तक तो सुबह का टाइम है, दोपहर में देख क्या हालत होती है भाई, लगातार गर्मी है ना बढ़ती जाएगी, देखना भयंकर वाली गर्मी बढ़ने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना तगड़ा पसीना हो रहा है भाई, लग ही नहीं रहा है कि हमें ना सर्दी के मौसम में अभी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई का मौसम है और इस पॉलिथीन में भाई तगड़ी गर्मी हो रही है यार, भयंकर वाली गर्मी देख लो आप। तुझे कैसा लग रहा है? बहुत भयंकर, देख टीशर्ट देख पूरी गीली हो गई, गीली हो रही देख, और यहाँ पे मेरी हालत देखो आप, पूरी जो शर्ट है वो गीली हो चुकी है, चारों तरफ आप पसीना देख सकते हो कितना तगड़ा वाला पसीना आ रहा है भाई, पूरा चेहरा है ना जल रहा है, जैसे कि कोयले की खान में जलता हो उस तरीके से कुछ, देखो कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। लेकिन कोई नहीं गाइस, हम है ना चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अभी तक तो सूरज यहाँ पर आया है, देख रहे हो आप इस जगह आया है सूरज, और यहाँ पे आना बाकी है, तो जब सूरज ये यहाँ पे आएगा तब अपनी क्या हालत होगी, अभी इतनी भयंकर हालत खराब हो रही है। और गाइस अभी तक तो चैलेंज खत्म होने में टोटल 3 घंटे बाकी है, जी हाँ दोस्तों बड़ी मुश्किल से अभी केवल 9 बजी है, केवल 9, अब आप ही सोच लो
12 बजे हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था, 12:24। कोशिश करेंगे और पूरा चैलेंज करेंगे, ठीक है, भले ही यहाँ पे मर जाए भाई। भाई इतनी तेज गर्मी हो रही थी तो यहाँ पे आप देखो हमें ना इस पाइप के पास में आ चुके हैं। देख लो आप, अरे मेरी साइड से कर। कितना पसीना है देखो। कल वैसे हमने चैलेंज स्टार्ट किया था तब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हाँ गर्मी हुई थी लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, क्योंकि कल है ना आसमान में बादल थे, लेकिन आज आप देखो आसमान, आसमान पूरा ही साफ है, यानी कि एक भी बादल नहीं है आसमान में। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो सूरज की किरणें है ना वो पूरी की पूरी आ रही है नीचे, और नीचे आने के बाद में जो अपना ये कैप्सूल है ना, इस कैप्सूल के अंदर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ा रही है भाई, काफी ज्यादा तेज गर्मी बढ़ रही है। क्या बताऊं मैं आपको, आज अपनी ही किस्मत खराब है कि आसमान में बादल नहीं है। अगर गाइस आज आसमान में बादल होते हैं ना तो इतनी तेज धूप नहीं होती, यानी कि जो बादल होते हैं ना वो सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है भाई, इसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या हुआ, 9:35 बस। अरे यार अभी तक तो क्या 9:35 हुए हैं, गाइस तगड़ी यार भाई, भयंकर हालत खराब हो रही है यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ, देख लो आप पूरा पसीने पसीना हो गया मैं। तो रात में तो है ना सर्दी लग रही थी और हमने ओल्ड के है ना पूरा जुगाड़ कर लिया था, यानी कि ओल्ड के बाद में हमारे को सर्दी वगैरह कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन इसका क्या जुगाड़ करें, कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास में, जो गर्मी है ना वो काफी ज्यादा तेज लग रही है इसके अंदर। ओए मशीन वापस चलाओ, ये एक ही है बस अपने पास में जुगाड़, और ये भी गाइस इतना ज्यादा कारगर जुगाड़ नहीं है, यानी कि जो हवा होती है ना वो केवल हमारे मुंह के ऊपर आती है और वो हवा भी गर्म ही होती है, बस हमारा पसीना होता है ना वो हट जाता है इससे, लेकिन पूरे शरीर में गर्मी हो रही है उसका क्या भाई। गाइस इसे कहते हैं जिंदगी झंड होना। देखो आप, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये चैलेंज मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा। आपको है ना हमारा पसीना पूरा दिखाई दे रहा होगा भाई, किस तरीके से पसीना है, देखो पूरा पसीना ही पसीना, यहाँ पे इसकी शक्ल देखो आप एक बार भाई, इतनी ज्यादा भयंकर वाली धूप है अंदर। बाल पूरे गीले हो गए, ओए बाहर निकलते हैं यार, नहीं होगा चैलेंज पूरा गाइस, नहीं होगा ये चैलेंज पूरा भाई। टाइम बाकी अभी तुम्हारा, अरे नहीं होगा भाई, पसीना हो रहा है, मर जाएंगे हम अंदर ही। आ जाओ बाहर निकालो यार, तुम्हें मजाक सूझ रही है भाई। लो बाहर रहने दे, रहने दे इनको, तुम आके एक बार देखो इसके अंदर कैसी हालत खराब होती है। हां देख लो, ओ भाई, अरे भाई यार इतना अच्छा लग रहा है, यार कितना गर्म पड़ रहा है, क्या हो रहा है अबे, इसकी शक्ल देख, इतनी गर्मी भाई साहब। देखो गाइस ये है गाइस पूरी हालत, देख लो तुम, रुक सकते हो ऐसे, चैलेंज तोड़ दिया तुम लोगों ने, देखो तो सही हालत कैसी खराब हो रही है भाई। मैं तो ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगा अब जाकर, बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी का मौसम लग रहा है मुझे, लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तुम जाओगे अंदर? नहीं रहने, जाके देखो। नहीं 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 भाई, इसको डाल इसको, अब जाके गाइस है ना पसीना सूखा है भाई, सूखा अब जाके। पूरी आपने हालत देखी होगी कितनी ज्यादा खराब हुई है, मैं आराम से है ना 2 घंटे और रुक जाता, लेकिन है ना जो ये सूरज वो दोस्तों नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ये ऊपर ही जाता और नीचे नहीं आता, तो इसलिए मुझे पता था कि 2 घंटे बाद में भी हमारे को हार माननी पड़ेगी, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी मैं सहन नहीं कर सकता, ये भी सहन नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे किस तरीके से चारों तरफ से पसीना आ रहा था हमारे को, और बाकी यार चैलेंज हमारे से पूरा नहीं हुआ, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना, वीडियो का वो करना है लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। आपका भाई मिलता है आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।